हेलो गाइस, वेलकम टू डीजीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रुइज्म के बारे में। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड बिलीव मी इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक आदमी जो खड़ा है वह इस ओल्ड डिसेबल्ड मैन की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी सीट छोड़ के इनको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस हेल्पिंग बिहेवियर इज नोन एज अल्ट्रुइज्म। आगे हम इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। सो वॉट इज़ अल्ट्रुइज्म? इट इज़ द हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ द एनिमल। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सेल्फलेस कंसर्न है, जिसमें एनिमल जो है खुद के बारे में ना सोचते हुए बाकी मेंबर्स के बारे में सोच के उनकी हेल्प करता है। तो इसी को हम अल्ट्रुइज्म कहते हैं। और इट कैन बी डिफाइंड एज अ बिहेवियर ऑफ एन एनिमल दैट बेनिफिट्स अनदर इंडिविजुअल एट इट्स ओन एक्सपेंस और एट अ कॉस्ट टू वन सेल्फ। मतलब खुद की लाइफ को रिस्क में डाल के या खुद कॉस्ट पे करके दूसरे मेंबर को बेनिफिट प्रोवाइड करना इज नोन एज अल्ट्रुइज्म। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेरवेट मंकी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए। तो क्या होता है वेरवेट मंकीज में? वेरवेट मंकीज गिव अलार्म कॉल्स टू वॉर्न फेलो मंकी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रीडेटर। जब भी कोई प्रीडेटर आता है तो किसी मंकी वेरवेट मंकी को दिख गया कि प्रीडेटर आ रहा है तो बाकी मेंबर्स को वो अपना अलार्म कॉल्स देता है, आवाज़ निकाल के सबको सचेत करता है कि प्रीडेटर आ गया है, आप सब छुप जाओ या यहाँ से भाग जाओ, है ना। तो ऐसा करके होता क्या है, दिस कॉल मे अट्रैक्ट द प्रीडेटर टू द सेंटर ऑफ द सिग्नल। तो जो मंकी जो है आवाज़ कर रहा होगा उनकी तरफ प्रीडेटर का ध्यान चला जाएगा। तो इट दिस रिजल्ट इन इंक्रीज देयर पर्सनल चांस ऑफ बीइंग अटैक्ड। मतलब कि जो जो मंकी आवाज़ निकाल रहा होगा की लाइफ को ज़्यादा खतरा होगा। वर्कर हनी बी का एग्जांपल देखिए। तो वर्कर हनी बीज मे फॉरेज फॉर द कॉलोनी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हनी बी की कॉलोनी होती है, ये एक सोशल इंसेक्ट होते हैं। तो इसमें जो क्वीन जो है उनका काम होता है एग ले करना, है ना, फर्टाइल क्वीन जो होती है। और जो ड्रोन होते हैं, मेल जो होते हैं, वो उस एग को फर्टिलाइज करते हैं। और बाकी जितनी भी फीमेल जो रहती हैं वो मतलब जो भी फीमेल रहती है, जो वर्कर फीमेल जो होती हैं, वो क्या करती हैं, पूरे कॉलोनी के लिए फीड करेंगी, मतलब कि फॉरेज करेंगी, उनके लिए खाना लाने का काम, उनका जो भी चैम्बर है उसको क्लीन करने का काम, और बी हाइव को भी वो प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो ये वर्कर हनी बीज भी सेल्फलेस कंसर्न शो करती है एंड इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रुइज्म। देन नेक्स्ट इज Among rabbits, thumping activity occurs to warn the members of the group against approaching predator. ये जैसे वर्वेट मंकीज में होता है उसी टाइप से है कि जो रैबिट्स होते हैं ये देखते हैं कि अगर कोई प्रेडेटर उनकी तरफ आ रहा है तो ये अपने हैंड लेग को ज़मीन में थम करते हैं, जिससे जो आवाज़ होती है तो फिर वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है उससे बाकी मेंबर्स को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रेडेटर है, सो दैट दे कैन सेव देयर लाइव्स। और ऐसा करके यही होता है कि इसकी लाइफ खतरे में आ जाती है बिकॉज ये अलार्म कॉल्स दे रहा है, तो फिर बाकी सबको मतलब प्रीडेटर जो है उसका ध्यान क्या है, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो इनके पर्सनल अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज अलार्म कॉल्स इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में भी अलार्म कॉल्स होते हैं, जैसे कि क्रोस में ये देखा गया है। एंड नेक्स्ट इज रिगर्गिटेशन ऑफ ब्लड इन वेम्पायर बैट्स। तो वेम्पायर बैट्स जो होता है उनमें एक बिहेवियर पाया जाता है जो है रिगर्गिटेशन ऑफ द ब्लड। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ वेम्पायर बैट्स जो है वो फीड नहीं कर पाते हैं, ये लोग क्या है ब्लड पे फीड करते हैं ना, तो कुछ नहीं कर पाते हैं, या जो बच्चे हैं उड़ के नहीं जा पाते फीडिंग के लिए, तो जो बाकी बैट्स जो फीड करके आए होते हैं वे आके जो ब्लड है उनको रिगर्गिटेट करते हैं, जिससे कि है जो बैट्स फीड नहीं किए हैं उनको भी खाना मिल जाता है। तो इस तरीके से ये अल्ट्रुइज्म बिहेवियर शो करते हैं सारे एनिमल्स। देन नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म इन फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर का या अल्ट्रुइज्म का एनिमल्स की फिटनेस पे क्या असर पड़ता है, तो इसको हम देख लेते हैं। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द पर्सनल फिटनेस ऑफ अनदर इंडिविजुअल एट द एक्सपेंस ऑफ वंस ओन फिटनेस। यहाँ पे दो चीज़ें आप समझिए कि जो एनिमल जो है अलार्म कॉल दे रहा है या अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है उसको हम कहेंगे डोनर, ठीक है। और इस एक्टिविटी से, इस अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर से जिस एनिमल को बेनिफिट हो रहा है, जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है, उनको हम कहेंगे रिसिपिएंट, है ना। तो यहाँ पे डोनर की फिटनेस जो है वो डिक्रीज होती है,
क्योंकि यहाँ पे ये अपनी लाइफ को रिस्क में डालता है, अपने जीवन को दाव पे लगा के वो हेल्प करता है ना, तो इसकी फिटनेस क्या है, डिक्रीज होती है। लेकिन वही रेसिपियंट जिसको कि बेनिफिट मिलता है, उनका फिटनेस क्या है, इंक्रीज होता है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक का फिटनेस डिक्रीज हो रहा है और दूसरे का फिटनेस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर किसी इंडिविजुअल का फिटनेस डिक्रीज हो रहा है तो वाई नेचुरल सिलेक्शन विल फेवर दिस। सो इसका हम देखते हैं आंसर आगे। सो व्हेन अल्ट्रिज्म इज फेवर, तो फेवर कब होगा, नेचुरल सिलेक्शन विल फेवर अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर अंडर टू मेन सर्कमस्टेंसेस। तो दो कंडीशन है जब नेचुरल सिलेक्शन फेवर करती है और अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर की जीन को आगे पास आउट होने देती है। तो वो कंडीशन क्या है, फर्स्ट इज इफ बेनिफिट इन फिटनेस टू द रेसिपियंट ऑफ एन अल्ट्रिस्टिक एक्ट एक्सीड द कॉस्ट टू द डोनर बाई मोर देन देयर कोफिशियंट ऑफ रिलेशनशिप। मतलब जो रेसिपियंट को मिलने वाला बेनिफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए देन द कॉस्ट टू द डोनर, है ना। डोनर को जो भी कॉस्ट पे करना पड़ा है वो कम होने चाहिए, और दोनों का रिलेशन भी, मतलब रेसिपियंट और डोनर का भी जो रिलेशन है वो अच्छा रहना चाहिए। देन नेक्स्ट इज इफ वन इंडिविजुअल बेनिफिट अनदर एट लिटिल कॉस्ट एंड दिस सिचुएशन इज लेटर रेसिप्रोकेटेड, मतलब रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। तो ये क्या, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज तुम्हारी मदद कर दी, कल जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे को मदद कर देना, है ना। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, और इस कंडीशन पे भी जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है इस बिहेवियर को फेवर करती है। देन नेक्स्ट इज हैमिल्टन्स रूल। तो हैमिल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने रूल के द्वारा बताया कि अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का जो जीन है वो कैसे पास आउट होता है, क्योंकि इसमें जो डोनर है उसका तो फिटनेस डिक्रीज हो रहा है, फिर भी कैसे पास आउट होता है, किन कंडीशंस पे। तो हैमिल्टन्स रूल स्टेट दैट एन एलील फॉर अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शुड स्प्रेड इफ बी आर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी आर इज ग्रेटर देन सी, जहाँ पे बी का मतलब होता है बेनिफिट गेन बाय द रिसिपियंट। मैंने बताया था ना जिनको फ़ायदा पहुँच रहा है जिन एनिमल्स को, तो वो बेनिफिट जो है उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आर स्टैंड फॉर स्मॉल आर कैपिटल, और दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया है। तो जेनेटिक रिलेटेडनेस ऑफ रिसिपियंट टू द एक्टर, मतलब दोनों के बीच रिलेशन कितना है, जैसे कि एकदम फार रिलेटेड होंगे जो, मतलब जिनका कोई कनेक्शन नहीं है तो उनको क्यों हेल्प करेगा, उनके लिए क्यों अपनी लाइफ को रिस्क में डालेगा, है ना। तो रिलेशन जेनेटिक रिलेशन भी होना चाहिए उन इंडिविजुअल्स के बीच। जैसे वेरवेट मंकीज जो होगी अपने ही ग्रुप के स्पेसीज के मेंबर्स के लिए अलार्म कॉल शो करेगी ना, दूसरे के लिए नहीं करेगी। तो ये जेनेटिक रिलेटेडनेस भी होनी चाहिए। और फिर सी जो होता है रिप्रोडक्टिव कॉस्ट टू द इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द एक्ट, जो भी अल्ट्रिस्टिक एक्ट शो करते हैं तो उसको क्या कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, जो डोनर है उनको कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैमिल्टन रूल ने कहा जब बी आर इज ग्रेटर देन सी, जब कॉस्ट से बड़ा होगा बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, तभी जो है अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का जीन जो है स्प्रेड होगा और ये अल्ट्रिस्टिक एक्ट नेचर में पाई जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। So do like it and subscribe the channel. Thank you.